हेलो जी, राम राम जी। उम्मीद करती हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग पूरा देखना, और जो चैनल पर नया आए सैड दिन चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल पहला आइकन दबाना मत भूलना। और व्लॉग पूरा देखो देखना, कितने प्यारे बहुत मजा आने में वाला है। है। हाँ, ये कांच में है, ये की है। ये दबा देना, देखिए ये सुधरे है मोना, इन मांग दबा दे। वो ये तुम कौन सेट कितने का बुझ ले ले पूरा निकाल तो बुझना के तो ले ले पूरा दबा देगी। और बगिटी काट दो ना चाची, बिंदी का पत्ता लेना के दे पा। तो छोटी बिंदी कौन है गुड्डी, देख बड़ी तसे देखे सुना है, दे छोटी बिंदी। ये तो है मेरे पास। तो अभी यार आ रहे थे हम दुकान में और टाइम था 2:30 का, 2:30 के बाद बात का था मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बाद फिर गुड्डी सीधी घर आए चली गई थी कि बच्चा ना ट्यूशन पर भेजूंगी। तो और इसके बच्चा का टाइम है शायद 3 बजे का ट्यूशन का टाइम, तो यहाँ सीधी घर चली गई थी। और फिर मतलब हेजल और रिया सोन लाग रही थी घर पर, और मेरे तकरीबन काम जब वो आया घर, जब ये सो जाओ ना तो ये ना कुछ सुती हैं इतना, तो आऊँ तो कुछ ना खंड मंद बेर है ना केक करे पाया करें। तो फिर मैंने मखाई तो ये सोन लाग रही हैं, चल चल लेंगे। और हमने देना था आड़ा गुड्डी का सूट सिलना, तो इस मारे हम आड़ा आ गए थे। और फिर हमने जो जो चीज़ पसंद आई वो हमने ले लिया था। और ये देखो मैंने एक सूट सिला था अपना, मैं खुद सिला करूँ अपने, तो ये मैंने सिला था। मतलब मैंने है ना कती पूरी लेंथ करी थी इसकी, 44 इंच की लंबाई, 44 इंच की करी थी पूरे सूट की, और पूरा सूट सूखड़ गया। बेरा इन्हें क्यों हो रहा है, मेरे गुड्डी आ रही हाड़ है, इन्हें बंद करना है वही सवाल। और मेरे गुड्डी आ रही हाड़ है के लैंड सूट लैंड, मैंने इसकी गिफ्ट दवा दिया। और गिफ्ट देखे इसके चैनल पर जाकर, और जितने इसके चैनल के सब्सक्राइबर सारे मैंने बोल के जा सारे इसने फॉलो कर लो सब्सक्राइब नहीं माने ये देख लो, मतलब निक्के देख का मना बनाया हो मेरा सारा बना रखा लेकिन चल ही बना दिया की तरह चल जाके देख मैं ये जान रहे आप चल लगे कर चल चल उठा ले खोली बाय चल दुकान वाली बाय चल सर ले ये हमने ले लिया है लारी दे दे और टाइम है शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, रसोई में। मन्ना करना ही बहुत सारा काम, और के काम करना था मतलब कम तक कम जितने घर के पतीले थे ना तो मैंने नुमत किया सुगली सारा मैं दूध दे रहा था वे, मतलब ये रह के है मैं बासी दूध मैं नहीं पी सकती, जुकर अगले दिन का दूध होगा नहीं पिया जाता। तो वो जो पतीले में धरया था फिर वो धरया रहा, अगला दूध उबाला वो पी लिया, अगला दूध उबाला वो पी लिया, तो ये 3-4 दिन का इकट्ठा हो रहा था। माँ कदे खराब खरूब हो रहा हो तो ये मैंने ये हो ना जुकर आज आज का दूध इस पतीले में इकट्ठा कर दिया सारा, और ये ठाडा भर गया। मैं नू देखो थी वो शाम का था, माँ कदे मैं मुख हो रही हो और एक तो है ना एक मग्गे में दूध धरा था, वो तो मैंने न्यू ना था ये दूध है कौन सा कद धरा था भगवान। फिर मेरे याद आई मखा आई परसों शाम ने धरा था काट के, मैंने सोचा अगर पतीले में धरूँ तो फिर मैं भूल जाऊँ, मतलब सोची मैं मलाई मुलाई धरी होगी, तो फिर मैंने वो उसमें मग्गे में काट का धर दिया था और फिर भी भूल गई। तो ये आज पीछे ध्यान रखा करूँगी जब मैं सोचा करूँ एक भी पतीला इकट्ठा नहीं होने दूँगी फ्रिज में, लेकिन फिर भी बेरा ना क्यों मेरे तो जब इकट्ठे हो जाए यो मग्गा दूध भरा मग्गा भरा था दूध का, फिर यो मैंने इस समय डाल दिया मलाई भी लोनी थी जिसमें, इसमें थोड़ी सी ऊपर। और अब बनाएंगे हम सेवैया, दूध में बनाएंगे सेवैया। तो उसके लिए मैंने ये ले ली है कटोरी सेवैया, कढ़ाई में हम पहले इसको भुनेंगे। तो मैं कैमरा थोड़ा सा आगे ले आऊँ तो आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा कि हम क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। ये देखो ये प्रोसीजर हम आप करेंगे, ये मैंने डाल लिया है, इसमें हम घी डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा घी। और ये देखो हमारी सेवैया बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गई है, देख लो दिख रही होंगी ना, देख लो ब्राउन हो गई है। और अब हम इन्हें दूध में मिक्स कर देंगे, फिर काची काची ना लग गए, फिर हमने काची मतलब बिना भुनी मैं ना खा सकती, मेरे को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बगैर बिना भुनी और मैं नहीं खा सकती, और गर्मी हो रही कसूती पसीने आ रहे हैं। और अब इसके लिए हम इसको दूध में मिक्स करेंगे, हमारा दूध उबल चुका है और ये एक तरह से हलवा सा बन जाएगा।
हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे पतीले में, पतीले वाले दूध में। ये वो पतले वाली है, जल्दी बन जाएंगी। पता नहीं कहते दूध ज्यादा हो गया, वो देखते हैं। गर्म है, कढ़ाई गर्म है। जड़ गया हाथ। और ही हमारे दोनों काम साथ साथ होंगे, इसको हम यहाँ रख देंगे और अब हम होंगे हमारे, ये गर्म हो जाएगी। अब हम करेंगे बर्तन साफ और तब तक हमारा दोनों दूध भी बॉयल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा और यो गर्म हो जाएगा। और फिर ले आऊंगी, आंटी लेकर जा रही है रही, वो तो ले आऊंगी पहला बर्तन साफ करूँगी, तो नहीं दूध भी मिल जाएगा, आई मीन घी लेकर जाएगा। गर्मी क्या आग पड़ा भाई, कसम कर रही हूं। हाय देखो दिया नहीं, वो सारे गीला कर दिया अपने सन्नाट में। देख लो रेया ने इसको नला दिया, इसको क्या कौन गर्मी लग गई थी इसने। हाँ क्या मतलब रेया ने, रेया ने कहा आज आज ना जल इसके गर्मी लग गई, इसने नीला चादर लगा दूंगी। हाँ बनना छोड़ी ना, हाँ मैंने कहा हाँ है इसने या नीला लाई ना बेटे, मैंने के मेरा रेया ने बोलेगी मम्मा पर आप मुझमें रख लो ना, मैं पानी नहीं डाल देते। पागल है क्या, इसको गर्मी नहीं लग रही, चल इसको रख दे, इस नमक में लाइए। चाटे मारूंगी ये, मम्मी पंडा भी ओए रिया तेरे दिमाग चल रहा है, पंडा भी नला दिया यार। रोया मम्मी ये तो पागल हो गए, और बन रही है हमारी सेवैया। हाँ केला होगा, है केला पीण का एक कैन लेने, एक दो दो। और यो है मेरा देवर संदीप परी भी, और देख पानी लाओगा पीण का, कितनी मदद हेल्प करता है मेरी। जतावड़ा लिया, पानी खत्म हो रहा है, ठीक सर ले ले आऊं कैन बना बना दे पंडा ने आ दिया, ये काम इनके और ओ बच गया, देख दूध लिकड़ा है।
फट गई होंगी, पतली सी तो सही और दूध गया है ऊपर, यू मैंने कर दिया बंद और ज्यादा दूध आज पतीला भरा तो मैंने इस पर मुद्दी मारी है यार। अच्छा एक बार बाज कर रही लिया हूँ मैं, एक बार रही ले पाने के लिए मुझे उठनी पड़ेगी चुन्नी, तो मैं सोचू पहला बर्तन कर लूँ फिर मैं किचन से बाहर ही हो जाऊँगी। दूध तो बिलता रहेगा, दूध दाद का तो मैं चाली जा कर पाऊँ। हो गया होट के वो दे दी इसने, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है तो मैं इसको लगा के आ रही हूँ थोड़ी देर चार्जिंग पे, और ये करूँगी सारे बर्तन, देखो कितने सारे हो रहे हैं क्योंकि आज मेरे खानी हो। आ जाओ देखो कितनी बढ़िया बन गई है, वाह सेवैया हमारी बन चुकी है और मैं इनको कर रही हूँ बंद। कर लूँ बर्तन बाद में मिलना गेम क्या करना है इसके बाद। बर्तन हो गए हैं और ये बाल्टी मैंने भरी है क्योंकि वहाँ से मेरे को लंबा लगा मैंने रास्ता बाल्टी उठा कर नहीं चल रहा था, तो सच्ची बता दूँ और परेशान हो जाऊँ मैं उड़े लैंड में बाथरूम में है। और दूसरी बात पढ़न का डर, सेफ्टी अच्छी है तो इसलिए मैं यहाँ से पानी कूलर में डाल रही हूँ, मतलब कूलर ना भरूँ हूँ। और ये बिलो आएंगे इसने लाइस मत लगा दूँ, इतना कम तो नहीं लगे पहले तक तो ये भी हम मलाई बिल जाएगी, हम छोटी सी रही को इसमें लगा के छोड़ देंगे और इसे एक मिनट सेट कर दो। और भाई टाइम है कम से कम रात के 10:30 बज रहे हैं, ये लाइट सस्ता मारी के तुम लोग सोचो गणा चांदना हो रहा है बता दूँ यू बार के मतलब का इंफ्रेक्शन ऐसा आता है जैसे कि मतलब चांदना दिन लग रहा है।